हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थल पोस का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने ये तीन रंगों में बनाया हुआ है और इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 150 ग्राम उलन लगा है, यानी 150 ग्राम उलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगाएंगे और नॉट लगा के 1 2 3 4 5 5 चेन फर्स्ट टर्न में लेके हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और उसके बाद धागे खींचेंगे। हम यहाँ पर पॉफ बनाएंगे ऐसे, देखिए 1 1 2 हुआ, 3 4 5, यहाँ पर हम 5 टाइम धागे को ऐसे खींचेंगे। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। अब यहाँ पर 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, मान लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 2 चेन फंदे लेंगे, फिर से बनाएंगे सेम चीज़ें, 2 चेन 1 पफ 2 चेन 1 पफ करते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये राउंड में पूरा 8 पफ बना लिया, 8 पफ बना लिया है। फर्स्ट टर्न में लेके हम ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। इसे बैक साइड हम लगा लेंगे। देखिए 2 पफ 1 पफ 2 चेन करके पूरा पूरा बना लिए हैं। इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे यहाँ पर। अब जो ये 2 2 चेन का बनाए हैं इसमें हम ऐसे पहले बांध लेंगे, फिर धागे को खींचेंगे, फिर पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से 1 2 3 4 5। देखिए तो ये 2 चेन जो बना है उसमें 2 पफ हम बना लिए, बीच में 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 2, फिर 2 चेन करेंगे, फिर दूसरा वाला चेन है इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से 2 चेन। हर एक पफ के बगल में हमें 2 चेन करना है। फिर सेम जगह पे एक और पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, देखिए फिर 2 चेन। फिर नेक्स्ट वाले में 2 पफ ऐसे बनाएंगे, एक चेन, ये जो 2 2 चेन बनाए हैं उसके बीच में 2 2 पफ बनाना है, और हर एक पफ के बगल में हमें 2 चेन करना है। देखिए एक से दूसरे जाने में भी 2 चेन करना है, और इसमें 2 पफ बनाएंगे, उसके बीच में भी ये 2 चेन करेंगे। तो ऐसे बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट किया, फर्स्ट टर्न में लेके ज्वाइंट करके कट कर लिए हैं। इसके बाद से हम दूसरा कलर फिर लगाएंगे, और फिर से जो हम ये 2 2 चेन का पफ जो बनाए हैं इसमें बनाएंगे हम धागे को खींच के, फिर से बनाएंगे 1 1 2 3 4 5 ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 2 2 चेन सेम जगह पे, फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे, देखिए फिर ये 2 हो गया। अब हम फंदे लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब चेन नहीं करेंगे हम। देखिए इसमें पफ बना लिए, इसके बाद वाले में फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर सेम जगह पर फिर बना लेंगे पफ 1 2 3 4 5। देखिए फिर यहाँ पर हम चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिर इसमें बनाएंगे। हमें एक से दूसरे जाने में चेन नहीं करना है, और जो पफ एक पास 2 पफ बना रहे हैं उसके बीच में हम 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5,
देखिए। फिर अब यहाँ पर हम दो चेन कर लेंगे, फिर यहाँ पफ बना लेंगे सिम के ऊपर, फिर बिना चेन के इसमें बनाएंगे। देखिए एक से दूसरे जाने में चेन नहीं करें हम ऐसे ही, और जो दो दो चेन बनाए हैं उसके बीच में हमें दो दो ऐसे पफ बना लेना है, और दोनों पफ के बीच में हमें ऐसे दो चेन करना है, और एक से दूसरे चेन के बीच में हम जाएंगे ऐसे तो यहाँ चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हमने ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद से तो यहाँ से फिर से हम ये कलर लेंगे, और फिर ये चेन जो बनाए हैं ये दो पफ बना के इसमें हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, धागे खींचेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे, फिर दो चेन करेंगे सेम जगह पे, फिर से हम पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। देखिए अब यहाँ पर फिर दो चेन करेंगे ऐसे, और उसके बाद से यहाँ पर बना लिए हैं, इसके बाद वाले में हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, एक से दूसरे जाने के बीच में जो जगह है यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर चेन वाला जो जगह है यहाँ पर फिर पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, देखिए फिर दो चेन फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे 1 2 3 4 5, देखिए फिर दो चेन, हर एक पफ के बगल में हमें दो चेन करना है, और जो चेन बनाए हैं उसके बीच में हमें दो पफ बनाना है ऐसे, और दोनों पफ के बीच में फिर से हमें चेन कर लेना है। फिर यहाँ पर चेन करेंगे दो, फिर बनाएंगे सेम चीज़ें, एक जगह पर दो पफ बनाएंगे, बीच बीच में दो चेन करना है, हर एक पफ के बगल में हमें दो दो चेन करना है। कंप्लीट करते हैं, हमने ये बना कंप्लीट किया, फर्स्ट वन में लेके ज्वाइन किए हैं और फिर चेन के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम धागे को फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5, फिर से पफ बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हम चेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिर फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पर फिर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, देखिए एक पास हम दो पफ बना लिए ऐसे, फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें भी हमें दो पफ बनाना है 2 3 4 5, देखिए फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे ही फिर एक और पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, इसमें हमें चेन नहीं करना है, एक भी चेन नहीं करना है, पूरे में दो दो पफ बनाना है, जो दो दो चेन किए हैं हर एक में हम दो दो पफ ऐसे बना लेंगे, देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे एक और पफ बनाएंगे, देखिए हर एक के बीच में दो दो पफ बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया, हम ये जितना है सब में दो दो पफ ऐसे बनाए हैं, और इसके बीच में हम चेन नहीं किए हैं, डायरेक्ट ऐसे बना लिए हैं, पहले वाले में लेके ज्वाइंट किए हैं। अब यहाँ पर फिर मिडिल में आके धागे को खींचेंगे, फिर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर दो चेन करेंगे और सेम जगह पे फिर से बनाएंगे पफ 1 2 3 4 5, फिर ऐसे बांध लेंगे, देखिए यहाँ पर बना लिए, फंदे लेंगे, अब यहाँ बनाए इसके बगल में नहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में बनाएंगे, दो पफ बनाए हैं उसके बीच में ऐसे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर हम चेन किए, यहाँ पर चेन नहीं किए, डायरेक्ट फिर दूसरे वाले में बना रहे हैं हम, फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन, सेम जगह पर फिर से हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, देखिए फंदे लेंगे और फिर डायरेक्ट हम इसमें पफ बनाएंगे, ये दो पफ बनाए हैं जो, देखिए हर एक में दो दो पफ बनाए हैं हम, उसके बीच बीच में हमें बनाना है, यानी एक में हमें ऐसे पफ बनाएंगे दो और बीच में दो चेन करेंगे, एक से दूसरे जाने में हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर पफ, फिर डायरेक्ट फिर दूसरे वाले में बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे यहाँ पर ऐसे पूरा बनाएंगे, और इसे बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया। हर एक पफ के बीच में हम देखिए दो चेन किए हैं, एक से दूसरे जाने में चेन नहीं किए हैं हम, और ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से जो दो चेन बनाए हैं उसमें आ गए हैं बीच में, फिर हाई को खींचेंगे, फिर से पफ बनाएंगे, एक एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन करेंगे सेम जगह पर, फिर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए ऐसे बना लिए। अब उसके बाद फिर हम दो चेन करेंगे, ऐसे टू चेन करेंगे, यहाँ टू चेन किए, उसके बाद से एक से दूसरे जाने के बीच में भी हम टू चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये दो चेन का जगह है जो इसमें फिर बनाएंगे पफ के बीच में, फिर से पफ बनाएंगे, एक एक दो तीन चार पाँच, बांध लेंगे, फिर दो चेन करेंगे सेम जगह पर, फिर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए फिर दो चेन करेंगे, फिर ये चेन वाला जगह है जो पफ बनाए हैं उसके बीच में चेन बना है, इसमें फिर बनाएंगे हम, फिर बांध लेंगे, फिर टू चेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पफ के बीच में जो दो दो चेन किए हैं उसके बीच बीच में हम ऐसे पफ बना रहे हैं, दो दो पफ बना रहे हैं, और बीच में हम दो चेन कर रहे हैं, एक से दूसरे जाने में भी चेन कर रहे हैं, फिर ऐसे यानी एक पफ दो चेन, एक पफ दो चेन, एक पफ दो चेन, ऐसे बन रहा है। ये पफ के बीच में हम दो दो पफ ऐसे बना रहे हैं और ये चेन बनाएंगे हर एक के बगल में, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये पूरे पे कंप्लीट किया, पफ बनाए और उसके बाद दो चेन पफ, दो चेन पफ, दो चेन ऐसे बनाए हैं। अब उसके बाद से फिर हम पहले वाले में आ गए हैं ऐसे। अब यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए फिर दो चेन पफ के बीच में हम पफ बना रहे हैं, देखिए ये दो चेन किए हैं इसमें, दो चेन करके सेम जगह पे फिर से हम एक दो तीन चार पाँच, ऐसे। अब उसके बाद से फिर हम चेन करेंगे जो ये चेन किए हैं इसके सामने हमें चेन करना है, यहाँ पर एक दो तीन चेन कर लेंगे हम, यहाँ पर दो चेन किए हैं, यहाँ पर तीन, फंदे लेंगे, फिर ये पफ बनाए हैं, दो चेन बनाए हैं इसके बीच में फिर बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे। फिर यहाँ पर दो चेन कर लेंगे हम, देखिए फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पर फिर एक और पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए फिर एक दो तीन, थ्री चेन, फिर यहाँ पर ये पफ के बीच में फिर से हम एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ पर बीच में हम दो चेन कर लेंगे, देखिए फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पर पफ बनाएंगे, देखिए ये पफ के बीच में हम इसके बीच में पफ बनाए हैं और दो चेन किए हैं, और यहाँ एक से दूसरे जाने में जो चेन बनाए हैं उसके सामने हम चेन बना रहे हैं, हम तीन चेन बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बीच में दो दो चेन बनाएंगे पफ के बीच में, यहाँ तीन चेन, उसके बाद आएंगे यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर ये फिर सेम बनाएंगे, यहाँ पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, बीच में दो चेन करेंगे, और यहाँ पर दो चेन किए, फिर तीन, फिर चार पाँच, ऐसे बढ़ते क्रम में हम बढ़ाएंगे, कम लगे तो यहाँ पर भी चार कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोग चेन बढ़ाते हुए और बढ़ा सकते हैं। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं। देखिए हमने बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से बताया आपको, यहाँ दो चेन किए थे, फिर यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, फाइव चेन तक बढ़ते क्रम में हमने बनाया हुआ है। अब उसके बाद से अब यहाँ पर दूसरा कलर लेंगे हम, और जो ये पफ के बीच में दो चेन है इसमें बनाएंगे, फिर से पफ बनाएंगे हम, बांध के ढाई को खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, अब यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से हम एक दो तीन चार पाँच, फाइव टाइम फिर से ढाई खींचेंगे, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर ये पफ है यहाँ पर, फिर बनाएंगे, एक
दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से निकालेंगे बांधेंगे, एक दो तीन, थ्री चेन सेम जगह पे, फिर से एक दो तीन चार पाँच, फिर उसके बाद से एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, जो फाइव चेन किए हैं इसके सामने हमें फाइव चेन करना है, और पफ के बीच में हम इधर दो दो चेन किए हैं, यहाँ पर थ्री चेन किए हैं, अगर कम लगता है तो और एक्स्ट्रा भी चेन कर सकते हैं, थ्री जगह फोर या फाइव ही कर सकते हैं आप लोग। फिर इसमें हम पफ बनाएंगे, पफ के बीच में हमें पफ बनाना है, फिर से फिर यहाँ पर थ्री चेन करेंगे, देखिए ये पफ के ऊपर पफ बना रहे हैं, थ्री चेन कर रहे हैं, यहाँ एक से दूसरे जा रहे हैं फाइव चेन कर रहे हैं, ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया, पफ के ऊपर ये पफ बनाए हैं और बीच में फाइव चेन किए हैं ऐसे, ये कंप्लीट होने के बाद से अब हम ये कलर फिर लेंगे, और जो चेन बनाए हैं तीन चेन का पफ के बीच में यहाँ पर ज्वाइंट करके, अब यहाँ पर बनाएंगे हम ढाई को खींच के पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार एक पाँच, ऐसे फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे बांध लेंगे, फिर एक दो, दो चेन फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन सेम जगह पे, फिर से पफ, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से निकालेंगे बांधेंगे, फिर दो चेन, फिर सेम जगह पे फिर से एक और पफ, एक दो तीन चार पाँच, देखिए तो हमने लाइन से फोर पफ बना लिया ऐसे, और बीच में दो दो चेन किए हैं, फिर दो चेन, और जो ये फाइव चेन का है बीच में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, और उसके बाद से फिर ये वाला जो है इस पफ में फिर से हम फोर पफ ऐसे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन सेम जगह पे, फिर से एक दो तीन चार पाँच, देखिए फिर दो चेन, फिर सेम जगह पे एक दो तीन चार पाँच, देखिए फिर दो चेन, फिर सेम जगह पे एक दो तीन चार पाँच, देखिए फोर फिर हो गया, दो चेन करेंगे, फिर ये एक से दूसरे जाने में जो चेन है यहाँ पर फिर ज्वाइंट करेंगे ऐसे, फिर दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो ऐसे जितना ये पफ है सब में बनाएंगे हम, तो हर एक में बना के हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया, डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ये डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।